ये देखिए दोस्तों, मुर्गी यहाँ पे दाना चुग रही है कुछ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और आज के इस नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं भाई स्कूल। दोस्तों मैं अपना स्कूल आपको बताऊं, सामने पे उस तरफ है असीर सिमली में इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर मेरा विद्यालय है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ आज स्कूल में। दोस्तों मैंने अभी ये वाला रास्ता लिया है, अभी हमें यहाँ से मिल गए हैं प्रेम सिंह जी, क्योंकि उस तरफ से खेतों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो ओस गिरी हुई है तो कपड़े भीग रहे हैं। ये दूसरा रास्ता है गांव से जाने का। तो हेलो प्रेम जी, गुड मॉर्निंग। आज तैयारी? अच्छा, तो भाई लंगूर ने योर डॉट टूट जी ना। जी जी जी, चलो फिर। जी सर चलो। तो अभी मैं पहुँच गया भाई ऊपर वाले घर से नीचे वाले गाँव में, जो हमारा गांव है। तो भाई आज सुबह से तो बारिश चल रही थी ना, तो लगभग 6 बजे के आसपास बारिश बंद हुई। तो आजकल ये है कि थोड़ा सुबह में आ रही बारिश और दिन में मौसम ठीक हो जा रहा है। तो ये आ गया भाई मैं अपने गांव में। आजकल का ना ये यहाँ पे भाई ये सोलर प्लेट भी लगी हुई है गांव में। तो भाई अभी मैं निकल गया हूँ अपने गाँव से स्कूल के लिए। तो अभी टाइम लगभग 7:15 हो गया है, और यहाँ पे से जो मेरा स्कूल है वो लगभग सिर्फ 4 किलोमीटर है मेरे घर से। वैसे हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से पैदल जाते हैं। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा देर हो गया है, गाड़ी में जा रहा हूँ। ये है भाई सिमली का गजरा, और यहाँ पे है भाई पुल। दोस्तों अभी शाम का टाइम है ना, तो मेरे पीछे आपको घना जंगल दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अभी कुछ जंगली जो मुर्गे और मुर्गियाँ हैं उनकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो इस सीज़न में उनके चूजे भी होते हैं, तो चलिए चलते हैं देखते हैं, क्या पता उनके बच्चे भी होंगे। यदि बच्चे मिल गए तो बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों जंगली मुर्गी कितनी प्यारी है, और इसके बच्चे भी हैं शायद इसके साथ ना। तो हमारे यहाँ तो इसे जंगली मुर्गी बोलते हैं, वैसे ये काली फेसेंट है और ये मादा है। तो आजकल इस मौसम में इनके चूजे भी इनके साथ में रहते हैं। देखिए कितनी प्यारी है एकदम, और इसके साथ अभी एक जंगली मुर्गा भी था इसके साथ में, तो वो भी देखते हैं कहाँ पे है। देखिए कितना सतर्क होके मस्त होके वो चल रहा है, और ये देखिए बिल्कुल मुझसे 10-15 मीटर ही दूर है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरी उससे दोस्ती है। दोस्तों मैंने इसको कई बार फिल्माया है, तो उसे पता है कि मैं उसके लिए ख़तरा नहीं हूँ। थोड़ा सा होता ही है, जंगली जीव है, थोड़ा सा वो सतर्क रहता है, लेकिन ज़्यादा दौड़ता भागता नहीं है मुझसे। तो अभी इसका एक साथी भी है, वो देखना है मुझे कि वो कहाँ पे है। अभी तो मुझे यहीं पे दिख रहा था इस दीवार के आसपास, लेकिन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है भाई उसका फ्रेंड दोस्त, ये देखिए ये है, वहाँ पे शायद वो कुछ दाना चुग रहा है अभी घास घूस के शायद। तो दोस्तों ये देखिए भाग गया, ये देखिए दोस्तों मुर्गी यहाँ पे दाना चुग रही है कुछ। स्पीड देखिए उसकी कितनी तेज है। और वो गायब हो गया, देखो दोस्तों कितना तेज भाग रहा हुआ अभी। तो जो जंगली मुर्गे 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 और मुर्गियाँ होती ना,
तो वो इस मशरूम को खाते हैं, इस तरीके के इस मशरूम को खाते हैं और ये अक्सर जंगलों में मिलता है। तो इस मशरूम को ही खा रहे थे वो और फिर भाग गए यहाँ पे से। ये है खिणिया, हमारे यहाँ इसे खिणिया बोलते हैं ना, और पक के ये बहुत ही बढ़िया होता है, स्वादिष्ट। तो अभी तो ये लगा है लेकिन बरसात के बाद धीरे धीरे ये अगले महीने तक पक कर तैयार हो जाता है। और इसका पेड़ ना दोस्तों ये ऐसा होता है, दिखे कितना बड़ा पेड़ है इसका और इस तरीके की इसकी पत्तियाँ होती हैं। दोस्तों ये लगी भाई हमारी एक ककड़ी, इस बार ना इस सीज़न में ककड़ियाँ बहुत कम लगी हुई हैं क्योंकि अधिकतर जो इसकी जो बेल है, इसका जो झाल है ना, वो ख़राब हो गया। हमारे यहाँ झाल बोलते से हो सकता है आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता होगा। तो देखिए, और ये देखिए भाई हमारी लक्कू इसमें आराम से बैठी है ना, वो मूसे की तलाश में है, वो उसको एक मूसा चाहिए। और इस तरफ ये है भाई हमारी छोटी सी प्यारी सी गौड़ी, मुझे देख के वो काफ़ी खुश रहती हो। देखिए उसको लग रहा है कि पता नहीं वो मुझे ही देख रहे है, उसको लग रहा शायद ये कुछ ना कुछ इसके पास है। और ये भाई हमारी शेरू, ये चलेगी भाई शिकार पे अब। ये आजकल ना इसने मुँह से पकड़ पकड़ कर छुट्टी कर रखी है और तो काफ़ी दिनों से दूध भी नहीं पी रही है बेचारी। मच्छर काफ़ी होते हैं, ले ले ये देखिए उछल कूद शुरू कर दिया उसने। तो ले अजय फू फूक में अच्छा यो साल हो यो अच्छा कौन है तो फू फूच एकदम। ये देखिए भाई डर रहा वो मुझसे ना। तो यहाँ पे हमने धुआं लगा रखा भाई इनको, क्योंकि इस समय बहुत सारे मच्छर कीड़े मकोड़े आते हैं ना तो गायों को परेशान करते हैं, तो इसलिए धुआं लगाया जाता है पहाड़ों में। ले 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 आजा ले शाबाश। तो उछल कूद कर रहा भाई वो, देखो मस्ती आ रही उसको। तो ये देखिए भाई चाची जी अभी इस बुढ़ापे में नीचे गदेरे से घास लेके आ गई भाई, वहाँ नीचे देख रहा हूँ ना जहाँ हमारा नीचे वाला गांव है, तो वहाँ से समय चाची जी घास लेके आ रही हैं। अच्छा चैज बुढ़ भाई मैं और जोंट पकड़ी बस, जोंट का मतलब होता है लकड़ी जो हाथ में डंडा है ना। तो चाची जी का भैंस है भाई देख रहो, एक दिन से ना पूरा ये छप्पर तोड़ दिया था तब दोबारा लगाया है, अब परसों उसने अपनी सींग भी तोड़ी है। ये देखो ये देखिए यहाँ पे भी देखे ना ये कौड़ी है, बाकी इसमें झंगोरा भी है लेकिन यहाँ पे ये कौड़ी है खास तौर पे। ये देख लूँगा कौड़ी के बारीक बाल और इसकी ना कौड़ी की खीर बहुत बढ़िया बनती है। तो भाई चाची जी आजकल यहीं रहती है, तो चाची का मैं डेरा दिखाता हूँ आपको अंदर का। चाची की अपनी व्यवस्था बना रखी है यहाँ पे, देखो देखो पहले छैनियों में आप लोग भी कभी रहे होंगे बचपन में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूल्हा है उनका और चूल्हे के ऊपर देखो ये लकड़ियाँ रखी हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना। और इस तरफ चाची का अपना बेड है तो चाची भी यहीं पे सोती हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें रखे हैं भाई उन्होंने अपने बर्तन, तो ये है चाची की व्यवस्था। इस तरफ भाई उनका ये भैंस रहता है, तो रात को भैंस भी यहीं रहता है और चाची जी भी यहीं रहती है। क्या बात है, चाची उम्र कदी है अभी मालूम है 60-65 साल है ना हो जा लौट हो भी हो बे वहाँ दिया तो होएगी तो मैं वहाँ होएगी। अच्छा का वो बे लड़का देखो ना बेंची ना बेंची का हाल लड़का उन जो बे देखो
गरीब जमाने छेंदा। अच्छा, तो यो है कि पहले पहले के काम कहीं से आप जो नए नए बोल रहे हैं पुंगड़ा पाटला मोसो कौर बोर की जा रहे पुंगड़ा गुर भैंसे पुंगड़ा गुर भैंसे तो वह दादा का भैंस है जी। 3-4 भैंस हमारा तो मो बैगी जी बड़ा दादा ने दिया भेजे ना पुष्करा बोरा तब बैगी जी सो 3-4 भैंस ही बल देंगे गोट दी जोड़ बल बाखर सो पार तरह छपार नीचे और खुशा लेता रहा जो खुशा लोगे दादाला गुर बाखा रहेंगे बोरी ठीक है सॉरी ये गोट है ये को यहाँ तला सारी गोट। अच्छा कभी बोरे जी तो मोबे हेल मो गान गान थे देंगे हम कभी बोरे जी चार ची तो 3 कौर बार कौन जी पर बीच असली कौर बार कौन है अतः गई बेरां सो लड़ती छोटा पुष्कर रहे बेरां गुर बाखा दिए रेंजी भैंसा दिए रही हम ची कौर बार कौन मनो घास बार पोला सो या लेंजे हमें खोबे मॉल था अब हरी घास आज तो गा भी नहीं सो सोया टपे लेंजे घास ती आग गो जो गा रहा पुष्कर भरती नहीं हुई ची वो बे पुष्कर भी लेंजे ता स्कूल का बड़ी स्कूल पुष्कर वो भी लाइजे गा हुआ। पहली जमाने थी तो ये आगे भाई भाई साहब के बैल जंगल से। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा? दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपको और भी बेहतर वीडियो देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे ब्लॉग में मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पर आपको और भी बेहतर वीडियो देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड।